नमस्कार दोस्तों दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज अप्रेंट वीडियो में। हम एक और नई योजना लेकर आए हैं जिसके बारे में आज इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहिए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा एक नई योजना लॉन्च की गई है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश बैंकिंग सखी योजना। दोस्तों तो इस योजना के बारे में आज पूरी डिटेल हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। दोस्तों हम बता दें यह योजना जो है इसमें महिलाओं को रोजगार मिलने के अवसर काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे इस योजना के तहत। तो दोस्तों इस योजना के बारे में पूरी डिटेल हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आकर देंगे। तो इसके लिए चलते हैं हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, वहां आपको इसके बारे में पूरी जानकारी आपको दे देंगे। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और यहाँ से हम आपको बता दें तो इस योजना में काम करने वाले सभी बैंकिंग सखी लोगों के घरों तक सरकार द्वारा प्राप्त होने वाली आर्थिक सहायता के रूप में जो पैसा मतलब सरकार भेजती है खाते में उस पैसे को घर तक पहुंचाने के लिए काम आएगी यह योजना। तो इससे लोगों के घर से बाहर नहीं निकलना पड़ेगा और वे तनाव मुक्ति प्राप्त कर सकेंगे। यानी इस समय लॉकडाउन का जो स्थिति चल रही है तो इस समय अगर सरकार कोई पैसे भेजती है बैंक खाते में किसी योजना के तहत तो उसे निकालने के लिए नहीं आना पड़ेगा। तो इस योजना के तहत जो महिलाएं नियुक्त की जाएंगी उन महिलाओं के द्वारा उनके घर पर ही उन्हें पैसे भिजवा दिया जाएगा। इस योजना का जो उद्देश्य है तो इस योजना का उद्देश्य कोरोना संक्रमण को रोकने और लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना है। यानी जो लोग पैसे आ रहे हैं तो इस योजना के लागू होते ही वो लोग अब बैंक में नहीं आएंगे, अपने घर पर ही वो लोग इन लोगों के द्वारा पैसे पा सकते हैं। 22 मई 2020 को इस योजना की शुरुआत की गई है और इसके दिशा निर्देश भी पूरी तरह लागू नहीं किए गए हैं। इसमें आवेदन किस प्रकार किया जा सकता है और किस प्रकार महिलाएं बैंकिंग सखी बनकर लोगों की मदद कर सकते हैं इस बात की संपूर्ण जानकारी अभी तक लोगों द्वारा नहीं पहुंचाई गई है। योजना से जुड़ी जानकारी संपूर्ण विवरण प्राप्त होता है वैसे हम इसके बारे में दोबारा वीडियो बनाएंगे। तो इसके बारे में बाकी और सारी डिटेल बता दे रहे हैं क्या क्या लाभ मिलेगा इस योजना के तहत। तो इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले महिलाओं को आत्मनिर्भर होने के लिए एक साथ उनके काम के बदले हुए एक आमदनी भी प्राप्त होगी। मतलब जो महिलाएं इसमें नियुक्त होंगी जो काम करेंगी उन्हें 4,000 रुपये प्रति महीना तो मिलेगा, साथ में उन्हें इतना मिलेगा। तो उन महिलाओं को डिजिटल डिवाइस खरीदने के लिए पैसा भी दिया जाएगा। यानी प्रत्येक महिला को डिवाइस खरीदने के लिए 50,000 रुपये की राशि सरकार द्वारा दी जाएगी। साथ ही उनकी मासिक आय उनके पास डिजिटल मोड के माध्यम से पहुंच सके इसकी गारंटी भी सरकार उन्हें जरूर देगी। तो सरकार के प्रत्येक काम में हाथ बटाना और सहायता के लिए सरकार प्रत्येक बैंक सखी को लेन देन पर कमीशन भी देगी। यानी कि जब आप पैसा लेकर किसी के पास जाएंगी देने के लिए, मतलब जो बैंक सखी बनेगी तो उनको उस पैसे पे कमीशन भी मिलेगा। तो इस योजना में अब कितने नौकरियों की संख्या बढ़ेगी तो वो भी बता दे रहे हैं। तो इस योजना के तहत यूपी सरकार द्वारा निर्धारित की गई है कि केवल महिलाओं को ही इस योजना में नौकरी दी जाएगी। यानी इस योजना में जो है इसमें सिर्फ महिलाएं ही इस योजना में नौकरी पा सकती हैं। तो इस योजना के तहत लगभग 58,000 महिलाओं को रोजगार की प्राप्ति हो सकेगी। यानी करीब 58,000 महिलाएँ जो हैं उनको रोजगार मिलने के अवसर इस योजना के तहत बढ़ जाएंगे। उद्देश्य जो होगा ग्रामीण महिलाओं द्वारा पूरा किया जाएगा जो घर के दरवाजे तक बैंकिंग सेवाओं को पहुंचाने का काम करेंगी। अब योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा योजना के अंतर्गत एक निर्धारित राशि जारी कर दी गई है, लगभग 3,59,038 स्वयं सहायता समूहों को 218 करोड़ रुपये की राशि इस योजना में सहायता हेतु प्रदान की जाएगी। तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 22 मई 2020 को आरंभ की गई इस योजना के अंतर्गत सरकारी संगठनों में काम करने वाली महिलाओं को मदद भी दी जाएगी और इस योजना का लाभ कौन कौन महिलाओं तक पहुंच भी सकता है जो मास्क प्लेटें मसाला उत्पादन का काम कर रही हैं, साथ ही सिलाई और क्राफ्टिंग का भी काम करती हैं। अब आपको बता दें इस योजना या योजना की आदित्यनाथ ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें रोजगार देने के लिए इस योजना का जो है शुरुआत किया है। इस योजना से महिलाओं को रोजगार भी मिलेगा और लोगों को बैंक में जो आते हैं यहाँ पे काफ़ी परेशानी उन्हें झेलनी पड़ती है तो इन सब से उनको छुटकारा मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। आगे इस वीडियो में इसके बारे में कोई नोटिफिकेशन आएगी तो हम फिर से इसके बारे में वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए आपके लिए नमस्कार। जैसे ही हम कोई वीडियो बनाते हैं तो वो आपको मिले इसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। तो जैसे ही हम इसके बारे में कोई नोटिफिकेशन आएगा तो इस वीडियो
संपूर्ण डिटेल हम वीडियो में बनाकर फिर से हम डालेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।